नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव में सीमांचल क्षेत्रों में उम्मीदवारों द्वारा जनसभा किए जाने पर लगी रोक। बक्सर में फंसे चिनूक हेलीकॉप्टर ने आखिरकार भरी उड़ान। अनुकंपा पर नौकरी मामले में मुख्यमंत्री लेकर आए नया फरमान। गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक के करीब छोड़ा गया पानी। धार्मिक स्थलों की संपत्ति का भी होगा भूमि सर्वे। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। NPCIL ने ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भर्तियां। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस के 107 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इसके तहत फीटर मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पदों पर बहाली होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो रिलेवेंट ट्रेड में ITI का होना अनिवार्य है। इसके लिए उम्र सीमा 14 से 24 साल निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2021 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.npcil.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इन पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक को चेक कर सकते हैं। पंचायत चुनाव में सीमांचल क्षेत्रों में उम्मीदवारों द्वारा जनसभा किए जाने पर लगी रोक। पंचायत चुनाव को लेकर अहम खबर आई है। इसके तहत बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में पंचायत चुनाव के उम्मीदवार कोई भी जनसभा नहीं कर सकते हैं। यह फैसला सुरक्षा को लेकर किया गया है ताकि कोई संदिग्ध भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर प्रवेश न कर ले। इस संबंध में ATS के ADG रविन्द्रन शंकर ने पूर्णिया रेंज के IG और पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज के SP को निर्देश दिया है कि सीमा से सटे इलाकों में चुनावी सभा की इजाजत दी जाए। साथ ही साथ अधिकारियों को बॉर्डर मीटिंग करने का भी आदेश दिया गया है। इसके तहत यह नियम केवल इंडो नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास के इलाकों में लागू होंगे। वहां पंचायत चुनाव के उम्मीदवार लोगों को जुटाकर या फिर बड़ी जनसभा को नहीं कर सकते हैं। बक्सर में फंसे चिनूक हेलीकॉप्टर ने आखिरकार भरी उड़ान। बक्सर में 3 दिनों तक फंसे रहने के बाद भारतीय वायुसेना का विशाल हेलीकॉप्टर चिनूक आखिरकार आज सुबह कीचड़ से निकलकर उड़ान भर चुका। बताते चले कि चिनूक की इमरजेंसी लैंडिंग बुधवार को ही बक्सर मानिकपुर गांव में हुई थी। तकनीकी खराबी के कारण इसे जिला प्रशासन के सहयोग से एक खेत में सुरक्षित उतार दिया गया था, जिस क्रम में उसके पहिए खेत की मिट्टी में धस गए थे। इसके बाद से इसकी तकनीकी खामी को ठीक करने की कवायद की जा रही थी, जो कि आखिरकार शनिवार को सफल हो गई और इसे आखिरकार उड़ाया गया। सुबह जब हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुआ तो थोड़ी देर इसे हवा में उड़ाकर प्रायोगिक तौर पर देखा गया, फिर इसे हेलीपैड पर लैंड किया गया। ऑडिटर भर्ती परीक्षा से पहले BPSC ने जारी किया कट ऑफ। बिहार लोक सेवा आयोग ने रविवार को होने वाले ऑडिटर भर्ती परीक्षा से पहले ही उम्मीदवारों के कट ऑफ लिस्ट को जारी कर दिया है, जिसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके मुताबिक जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को कम से कम 40% अंक हासिल करने होंगे, जबकि SC ST महिला और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए कट ऑफ 32% रखा गया है। वहीं OBC के लिए कट ऑफ 36.5% और EBC के लिए 34% तय किया गया है। बता दें कि पंचायती राज विभाग में ऑडिटर के 126 पदों के लिए कल यानी कि 29 अगस्त को दोपहर 12 से 2 के बीच पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में PT परीक्षा ली जाएगी। अनुकंपा पर नौकरी मामले में मुख्यमंत्री लेकर आए नया फरमान। बिहार में अनुकंपा पर नौकरी को लेकर CM नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक 1 जुलाई 2006 के प्रभाव से राज्य के राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में राज्य प्रमंडल, जिला संवर्ग के प्रधानाध्यापक, शिक्षक या फिर कर्मी के अपने पद पर रहते हुए मृत्यु होने के बाद उनके आश्रितों को प्रमंडलीय या फिर जिला स्तर पर सहायक शिक्षक के रूप में अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी, बल्कि इनके आश्रितों को नियुक्ति, इंटरमीडिएट प्रशिक्षण की अर्हता तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों द्वारा पंचायत नगर शिक्षक के पद पर की जाएगी। लेकिन अनुकंपा पर अब शिक्षक के आश्रितों को सेम पद पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी। गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक के करीब छोड़ा गया पानी। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश बिहार की सीमा से सटे गांव में तबाही ला रही है। आज सुबह पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,93,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी को गंडक नदी के निचले हिस्से में छोड़ा गया, जिसके बाद से नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव के लोगों को खाली कराकर ऊपरी इलाके में भेजा गया। इस क्षेत्र में बलुहावा, डुमरी, सिंघाई, सेवरही, बड़वा, चंपापुर, पथरी, संतपुर, नौकाटोला, चमरदिया और बड़गांव और बलुआ और दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए हैं। इन सभी गांवों का प्रखंड व जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं बगहा 2 स्थित SSB कैंप में भी फिर से गंडक नदी का पानी घुस गया है, जिसके कारण आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है।
मेट्रो रेल सेवा के लिए जमीन हस्तांतरण को मिली मंजूरी। पटना में मेट्रो रेल सेवा के लिए बीते दिन जमीन के ट्रांसफर को मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी नगर निगम की स्थायी समिति ने दी है। इसके तहत अब मीठापुर, जीरो माइल, ट्रांसपोर्ट नगर आदि की भूमि पर नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है। इन भूखंडों पर निर्माणाधीन मेट्रो रेल परियोजना का काम हो सकेगा। साथ ही साथ पटना को साफ सुथरा बनाने की दिशा में कचरा डंपिंग के लिए छोटे छोटे ट्रांसफर स्टेशन बनाने का भी फैसला लिया गया है। इन स्टेशनों पर कचरा को जमा किया जाएगा और फिर यहां से कचरे को डंपिंग यार्ड तक ले जाया जाएगा। इससे राजधानी की सड़कों पर जहां तहां कचरे की स्थिति से निजात मिलेगा। सूबे में बाढ़ की स्थिति पर मंत्री ने दिया दिलासा। बिहार में हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ कई हिस्सों को जलमग्न कर चुका है और इस बाढ़ की भीषण तबाही ने करोड़ों का नुकसान कर दिया है। सूबे के 26 जिलों में 37 लाख से अधिक लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। वहीं 3 से 4 दिनों से नेपाल में हो रही भारी बारिश ने गंडक और अन्य पहाड़ी नदियों में एक बार फिर से उफान लाकर खड़ा कर दिया है। बीते दिन ही 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी गंडक बराज में छोड़ा गया, जिसके बाद तटबंध टूटने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं इन स्थितियों पर संसाधन मंत्री संजय झा ने बयान दिया है। उनका कहना है कि तटबंध पर फिलहाल कोई भी खतरा नहीं है। आपदा विभाग की टीम भी अलर्ट पर है। सुरक्षा की पूरी तैयारी विभाग के द्वारा की गई है। आकाश यादव के लोजपा में शामिल होने पर तेज प्रताप यादव ने दिया बयान। आरजेडी की गरमाई सियासत एक बार फिर से तेज हो गई, जब बीते दिन आरजेडी के छात्र अध्यक्ष के पद से हटाए गए आकाश यादव ने पारस गुट के लोजपा को ज्वाइन कर लिया। आकाश यादव को हटाए जाने के बाद से तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह से नाराज थे। हालांकि अब तेज प्रताप यादव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीते दिन दिल्ली यात्रा से लौटने पर तेज प्रताप यादव ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया और मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आकाश यादव को छोड़ने से हमारी पार्टी को कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जहां जिसको मन करता है वहां जाकर राजनीति कर सकता है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले सरकारी कर्मचारियों का रुकेगा वेतन। बिहार के सरकारी विभागों में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को हर साल अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा फरवरी महीने तक देना अनिवार्य होता है, लेकिन इस साल कई कर्मी ऐसे हैं जो अभी तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिए हैं, जिन पर अब सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में लेटर को जारी करके सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य सचिव, अध्यक्ष, डीसी और डीएम को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी कर्मियों का फरवरी का वेतन रोक दिया जाए और गंभीर कदाचार मानते हुए इन पर कार्रवाई की जाए। धार्मिक स्थलों की संपत्ति का भी होगा भूमि सर्वे। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग और विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने शुक्रवार को अपने भागलपुर दौरे में धार्मिक न्यास समिति की संपत्ति पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों की संपत्ति का सर्वेक्षण फिर से शुरू किया गया है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों के मंदिर और मठों, धर्मशाला का सर्वे करके संपत्ति का लिखित लेखा जोखा तैयार किया जाएगा और उसे पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इसे लेकर हर जिले में एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो तय समय में जमीनों को चिन्हित करेंगे। इस प्रक्रिया से अवैध रूप से ट्रांसफर के डील और सेल को रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही विवाद भी कम होंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर IMA बिहार की तरफ से जारी हुआ बयान। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा बिहार के ऊपर से टल गया है। हालांकि संभावित तीसरी लहर का समय सितंबर अक्टूबर के बीच का बताया गया था। ऐसे में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां दुरुस्त रखी गई है। हालांकि इस बारे में मीडिया से बात करते हुए IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना बयान जारी किया है। उनके मुताबिक तीसरी लहर नहीं आएगी। उनका कहना है कि कई जिलों से रोज गिने चुने मामले ही आ रहे हैं। ऐसे में राज्य में 1500 से अधिक ICU बेड हैं। जरूरत के अनुसार सरकारी संस्थानों में 5000 बेड तक विकसित किया जा सकता है और सरकारी व गैर सरकारी संस्थान मिलाकर 10000 ICU बेड बढ़ाए जा सकते हैं। जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक आज हुई आहूत। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में आज शाम कर्पूरी सभागार में जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सहित 18 लोग शामिल हुए। तो वहीं अब कल रविवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री के भाग लेने की संभावना है। यह बैठक अभी भी चल रही है। वहीं बीते दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया को बताया था कि बैठक में कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। दूसरी पारी में शानदार बैटिंग से छा गए पुजारा। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले में पहली पारी में पुजारा की बैटिंग ने काफी निराश किया था और फैंस भी इसके बाद उन पर कई तरह के सवाल उठाने लगे थे, लेकिन दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा ने नाबाद धुआंधार पारी खेलकर माहौल बना दिया और टीम को मजबूत स्थिति मिला दिया। पुजारा ने लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी में नाबाद 91 रनों की पारी खेली, तो यह पारी उनकी आमतौर पर खेली जाने वाली पारी के मुकाबले काफी तेज थी। 180 गेंद का सामना करने के बाद उन्होंने 50 की स्ट्राइक रेट से 91 रन बनाए। इसके बाद से ही ट्विटर पर वे छा गए।
बिहार में कोरोना संक्रमण के ताजा मामले में मिले 21 नए मरीज। सूबे में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के घटते बढ़ते मामले देखने को मिल रहे हैं। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 1,70,198 सैंपलों की जांच हुई, जिसके आधार पर 12 संक्रमित मिले। तो वहीं इस दौरान राज्य भर से 21 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, रोहतास, मधेपुरा, भागलपुर, बेगूसराय से एक एक मरीज मिले, जबकि भोजपुर, पटना, समस्तीपुर और सहरसा से दो दो, जबकि दरभंगा और नवादा से तीन तीन नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 11 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य भर में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 114 हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके जिले का भी कोई हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।